हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप कौन सी है? रो मैट्रिक्स। एन एम इंटू एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इफ एम इज इक्वल टू वन, एन एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा जिसमें एम इज इक्वल टू कितना होगा? वन होगा। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होगी उसको हम क्या कह देंगे? रो मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एम करता है नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट और एन करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट। एग्जाम्पल, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 5, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, और इसमें एक ही रो है, इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसमें एक रोज है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तीन कॉलम है। अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई? 1, इसलिए हमारा ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स बन गया? रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम रो मैट्रिक्स की, 2 और 5, ये भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। अब हम करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वो इससे उल्टा होता है। इसमें m इज इक्वल टू 1 है, उसमें n इज इक्वल टू 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स की 1 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए उसमें? 1 हो गए। एन एम इंटू एन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इफ एन इज इक्वल टू 1, जिसमें n इज इक्वल टू 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम एक ही हो, सीधा हो, ऐसे वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन सा होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2 3 0, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, तीन रोज है और कॉलम कितना है? एक, एक कॉलम है। एन हमारे पास कितना आ गई है? 1 1, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रोज जितनी मर्जी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 5 -1 0, इसमें कितने हैं? 1 4 रोज है और 1 कॉलम है। ये तो हमारा हो गया रो मैट्रिक्स और ये क्या हो गया हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम कौन सा मैट्रिक्स करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? आई होप आपको ये दोनों मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, समझ लग गए होंगे। अब हम करेंगे इसकी टाइप्स की थर्ड टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। एन एम इंटू एन, एम इंटू एन ऑर्डर होता है, एम इंटू एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ
एम इज इक्वल टू एन। हम किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को स्क्वेयर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब एम इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। टू रोज और टू कॉलम्स हो, थ्री रोज और थ्री कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने मैट्रिक्स ले लिया 2 3 5 0, इसमें टू रोज हैं, एक दो और टू कॉलम है, ये 2 बाय 2 का है। अब हमारे पास m इज इक्वल टू n के आ गया है, टू रोज है इसमें, टू कॉलम्स। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वेयर मैट्रिक्स। हम 3 बाय 3 का भी ले सकते हैं। ये भी हमारा मैट्रिक्स है जो 3 बाय 3 का है। ये भी हमारा पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वेयर मैट्रिक्स, क्योंकि एम भी 3 है हमारे पास, एन भी 3 है, इक्वल है। ये हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स बन गया है। इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के जितनी होनी चाहिए। अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम्स होने चाहिए, अगर 4 रोज है तो 4 कॉलम्स होने चाहिए। आई होप आपको ये तीनों टाइप्स समझ लग गई होगी। पहले हमने क्या किया? रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद किया हमने स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स कराऊंगा, जो सेम ही टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।